ठंड बढ़ गई है बहुत। अब तो गर्म पानी से नहाना पड़ता है, अब तो गर्म पानी की जरूरत हो गई है और गर्म कपड़ों के भी ओढ़ने की जरूरत पड़ गई है। हेलो फैमिली, ये रात का टाइम है क्योंकि पूरे दिन में हमारी डेकोरेट हुई नहीं थी और मिताज के पापा आए हैं रात को 10 बजे, तो 11 बज रहा है अब। और खाना खाते ही हम लोग इस डेकोरेट में लगे हैं सभी, और मतलब अभी दुकान बढ़ाने में भी लेट हो गए क्योंकि जो बच्चे हैं ना जिद करने लगे और दोनों भाइयाँ तो सो भी गए हैं कहते कहते कि पापा आएँ कब आएँ, लड़ियाँ लगाएँ और सबके घर सज गए हैं लेकिन हमारा घर नहीं सजा है, इस तरह से बोल बोल के सो गए हैं। तो कल मितांश के पापा आए थे 10:30 बजे, 10:30 बजे से खाना खाया और फिर सजाने की तैयारी करने लगे। तो विधि साथ में है, विधि को नींद नहीं आई थी और सुबह में सरप्राइज़ दिया है बच्चों को, सोचा कि अभी रात को लगा दें तो सुबह बच्चे खुश हो जाएंगे। और इस मतलब दीवार ही दीवार है तो दीवार पे कील लगा करना, इस पर लड़ियाँ लगाने की कोशिश करिए। पिछले साल भी ऐसे ही किया था और अब के भी ऐसे ही शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो कुछ कीलें तो लगी हुई हैं दीवार के अंदर और कुछ निकल चुकी हैं, तो वही अब थोड़ा सा मतलब सेट कर रहे हैं इसके लिए। और काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको सेट करने में क्योंकि ना गली आपको दिखा दी थी मैंने वीडियो शुरू होने से पहले, तो गली में सभी के घरों पे लड़ियां लग गई हैं लेकिन बच्चे की खुशी है, बच्चे बोलते हैं कि कितने अच्छे घर लगे हैं। पर जो अपना मकान था इसमें वो भी इसी गली में है, जब अभी बच्चों को हमारे का पता नहीं है कि इस घर इस गली के अंदर हमारा पहला मकान है, लेकिन जिस दिन हम बताते हैं तो वो सच में यकीन नहीं कर पाते कि वो हमारा ही घर है। लेकिन सबसे बड़ा घर वही है जो हमारा था और किसी कारण बस वो ना सेल करना पड़ा, तो बस हमको बहुत गिल्टी फील होती है उस के जिसी जगह पर हम रह रहे हैं और उस घर उसी गली में हमारा मकान है और उसी में हम रह रहे हैं, और उस मकान को देख देख कर ना बहुत कुछ सोचने में आता है लेकिन कह नहीं सकते हम। और अभी मैं जीना लेकर आई हूँ क्योंकि वो मितांश के पापा का ना हाथ नहीं जा पा रहा है उधर, और बहुत और जब अपना मकान था तो 3 मंजिल का बना है वो मकान, तो उस पर भी हम ही मतलब लगाते थे मितांश के पापा और मैं, तब तक ये जब बहुत छोटे विधि थी बस उस दौरान, और उससे पहले और 2 बच्चे तो उसमें ज्ञानी नहीं है उस मकान में। तो अभी हम जैसे अभी उनका मतलब समझदार हुए हैं तो ये देखते हैं बच्चे, और अभी सबका मकान देख रहे हैं तो वही मतलब उनके मन में दिल में उत्साह हो रही है। और अभी जो सामने पड़ोसी है ना वो भी अपने घर मकान घर का डेकोरेट कर रहे हैं क्योंकि वो भी बच्चे लेट हो जाते हैं वो अपने उसमें पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, तो अभी इतना तो हो चुका है, इतनी 2-3 लड़ियां लग चुकी हैं। अगर मैं होता ना तो लेटर पे चिपक के जब लगा। अभी लगी ना लगी हमारी कितनी सारी लगी हैं,
दोबारा बंद करो। आ जाओ, ये तो जल रही है, दीदी रहने दे, दीदी रहने दे। और इस लड़ियों को लगाकर शांति मिली है बच्चों को खुशी। और ये देखो ये गली सजी हुई है, अब थोड़ा सा बच्चों को खुशी मिली है कि लड़ी हमारे भी घर पर लग चुकी है। तो फ्रेंड मैं मिल रही हूँ सुबह में आपको। हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो सुबह का टाइम है, जस्ट मॉर्निंग का, हमारी तैयारी हो गई है मावस मनाने की। तो अभी हम मावस निकालने के लिए मैंने खीर चढ़ा दी है, मतलब बनाने रख दी है। और अभी हमारे बच्चे सोए हुए हैं थोड़े से, और मेरे ना अभी डेकोरेट नहीं हुआ है, और डेकोरेट मैं करूँगी थोड़ी देर में। अभी मावस निकाल के ना तब मैं करूँगी, अभी लेके ना ऐसे ही लड़ियाँ रख रखी हैं। और सुबह सुबह में अब तो ठंड बढ़ गई है बहुत, अब तो गर्म पानी से नहाना पड़ता है, अब तो गर्म पानी की ज़रूरत हो गई है, और गर्म कपड़ों के भी ओढ़ने की ज़रूरत पड़ गई है। तो फैमिली मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी बच्चे नहाए नहीं है, बच्चे इनको नहलाना बाकी है अभी। तो और मेरी ये खीर बन के तैयार हो रही है, थोड़ा सा दूध डाला है इसमें मैंने, और थोड़ी ही बनाई है मैंने क्योंकि मीठा इतना खा नहीं रहे आजकल, क्योंकि मिठाई वगैरह डब्बे पे डब्बे आ रहा है, तो इसलिए ना बच्चों का हीट भर रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी खीर बनाई है पूजा के लिए बस। और अभी दूध डाल के इसको पकने छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी ये खीर मेरी। अरे वहीं खड़े खड़े कर ले, यही फोन चला रहे, कुछ बोलना बोलना। ये मम्मी अब उसमें पानी कर रही है, और ये दोनों फोन चला के बैठ गए सुबह सुबह वहीं खड़े खड़े। अरे मेरे वहीं खड़ी होकर 2 मिनट बना लेना। पापा कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं। और आज एक मेरी गलती से मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इसमें ना किसमें पहले से डाल दिया, तो देखो मैंने ना ताज़ा दूध डाला, तो इसमें ना दूध फट गया है, इसमें आज मेरी खीर नहीं, आज पता नहीं क्या बन गया ये। मैंने ध्यान दिया नहीं कि मैं हमेशा बाद में डालती हूँ ये चीज़ें, और वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी थी, तो खट्टे की वजह से ना दूध इसमें बेकार हो गया। ये देखो कभी कभी इतनी गलती हो जाती है, दिमाग कहीं चलता है, काम कहीं हम करते हैं ना, सुबह सुबह में ना ध्यान होने की वजह से ना इतना दिमाग खराब हो गया है इसको खीर को देखकर मुझे, कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि मैं क्या कर रही हूँ, और दिमाग कहीं, क्योंकि सुबह सुबह का काम का प्रेशर इतना हो जाता है कि काम करो कहीं और दिमाग कहीं चलता है। तो बस कुछ ग्राहक भी आते हैं, कुछ बच्चे का खाना पीना नाश्ते में, बस उसी चीज़ में ध्यान नहीं रहा, और आज मेरा नुकसान भी हो गया। तो अभी चलो अब होता क्या है देखती हूँ अब।